महिला आयोग द्वारा की गई सुनवाई में गौरिया देवरनीन द्वारा लोगों से पैसे लूटने और लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसकर परेशान किए जाने की शिकायत पर 5 फर्जी किन्नरों को पुलिस ने पकड़ा है। दुर्ग कोतवाली थाने क्षेत्र में जया किन्नर किला मंदिर निवासी द्वारा महिला आयोग की जन सुनवाई में शिकायत की गई थी, जिसने गौरिया देवरनीन मठगांव बॉम्बे अटलवास दुर्ग द्वारा अपने आप को किन्नर बताकर लोगों से पैसे लूटते हैं और लोगों के घरों में जबरदस्ती घुसकर बदतमीजी करने का आरोप लगाया था। इस पर कार्रवाई करते हुए दुर्ग कोतवाली पुलिस ने दुर्ग जिला अस्पताल के पास से 5 फर्जी किन्नरों को पकड़ा। तृतीलिंग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा शिकायत किया गया था कि कुछ महिलाएं अपने आप को किन्नर बताते हुए घूम घूम कर लोगों से वसूली कर रहे हैं, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत के तारतम्य में 5 के लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद शिकायतकर्ता अगर सामने आते हैं तो उनके खिलाफ में उद्यापन की कार्रवाई की जाएगी। व्यूटू, एक तरफ लोगों की आस्था पर विश्वास रख दुर्ग निवासी जया किन्नर की टीम पूरे शहर में शांति और सौहार्द का परिचय देती हुई अपनी जीविका चला रही है, तो वहीं कुछ फर्जी किन्नरों की वजह से शहर में फैली अशांति का आज दुर्ग पुलिस द्वारा पर्दाफाश कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस अवसर पर किन्नर समाज और समाज सेविका ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शिकायत की थी महिला आयोग को और थानों में भी दे दिए थे कि नकली बन के अवैध वसूली कर रहे थे। हर मतलब हर मोहल्ला मोहल्ला में इनकी इतना अति आतंक हो गया था कि हमको भी जिजमान नहीं दे रहा था। मेरे दुर्गवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि बस ओरिजिनल किन्नरों को देखो और ये नकलियों को देखो, और सरकार से ये निवेदन है, कोर्ट से ये निवेदन है कि इनको सख्त कार्रवाई हो, इनकी बेल ना हो। मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आगे कहां मिले आपके आवेदन? मैं राजेंद्र पार्क चौक में। नहीं, कैसे लाए इनको आप? ये मांग रहे थे तो पकड़ के लाए इनको। आपने खुद लाया? हाँ, हमने खुद लाए इनको और थाना फोन करे थे योगेश चंद्राकर जी को, फिर उन्होंने गाड़ी लेके आए, फिर इनको बिठा के ले आए हैं। कितने लोगों को पकड़ा है? 5 लोगों को पकड़ा। ऐसे 40-50 लोग है दुर्ग शहर में घूम रहे। अभी फरार है बाकी। यहाँ पर महिला आयोग में अम्मा ने एक केस दायर किया था, उसमें जो अवैध जो लोग किन्नर नहीं हैं वो किन्नर बनकर के यहाँ पूरे दुर्ग शहर के हर जगह अवैध वसूली करते हैं, तो उसके पर से महिला आयोग के माध्यम से हम लोगों को सौंपा गया था कि दुर्ग में जो लोग अवैध वसूली कर रहे हैं तो उनकी जानकारी लेवें। तो अम्मा जी के माध्यम से मालूम पड़ा कि वो देवरनी लोग हैं और इन्होंने आज पकड़ कर थाने में लाया है, और हम चाहते हैं कि इस तरह इनके हक पर कोई अपनी अवैध वसूली ना करे, क्योंकि इनके जो समाज है एक अलग है और जो अलग तरीके से किन्नर बनते हैं वो अलग समझ में आ जाते हैं। तो हमारी सिर्फ महिला आयोग से भी यही निवेदन था कि ऐसे लोगों को सजा दी जाए, और आज थाने में पकड़ के स्वयं किन्नर अम्मा ने लेकर आई हैं यहाँ पर, और हमें जैसी अवगत कराए हम तुरंत थाने पहुँचे हैं, और हम चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो, क्योंकि हमने देखा है कि ये लोग किसी से ज़बरदस्ती की वसूली नहीं करते हैं, और वो लोग घरों में भी घुस करके अननेसेसरी सब जगह से पैसे वसूली करते जा रहे हैं, और उसमें जनता भी परेशान थी, और आज अच्छा है एक बार अच्छी आवाज़ उड़ गई है, और आने वाले समय में हम सब किन्नर लोगों के साथ में हैं। हम नहीं चाहेंगे कि इनके ऊपर कोई गलत कार्रवाई हो और इनके साथ कोई भी ऐसे गलत काम कोई ना करे कि जिससे लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो, और हम नहीं चाहते कि हमारे समाज का एक अंग है ये, और आज इनको बहुत महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि इन्हें पहले एक समाज का अंग नहीं माना जाता, परंतु आज धीरे धीरे लोगों में समझ में आया कि ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के एक अंग है, तो हम नहीं चाहेंगे कि इनके साथ अन्याय हो। न्याय ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।